हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक सिंपल एंड पार्टी मेकअप लुक जो कि पहना है मैंने यहाँ पर ब्लैक साड़ी। तो अगर आप कोई भी ब्लैक ड्रेस वेयर कर रहे हो तो आप किस तरह से मेकअप करो जो बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे और एकदम प्यारा सा लुक दे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पर पहना है क्रॉप टॉप, ये ब्लाउज़ नहीं है एकदम भी, देख के लग रहा होगा। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सीरम। समर सीज़न चल रहा है बट मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद में मैं एनवाइबी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, आप चाहो तो ले सकते हो। प्रोडक्ट जितने भी हैं आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। और उसके बाद में मैं यूज़ करने जा रही हूँ यहाँ पर फाउंडेशन। तो मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी 2 पम्प लिए हुए हैं और 2 पम्प में मेरा जो फेस और नेक दोनों कवर हो जाएंगी अच्छे से। इस टाइम मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मतलब नीड नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वाला फाउंडेशन लगाऊं। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं देती हूँ, मैं अपने ब्राइडल को भी नहीं देती हूँ और ख़ुद भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो इतने में ही मेरा जो मेकअप है वो डन हो जाता है। तो बस अच्छे से ब्लेंड करना है। आप ब्लेंडिंग जितने अच्छे से करोगे मेकअप उतना ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा, उतना फ्लॉलेस लगेगा आपका मेकअप। उसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। आप अपने स्किन से दो कलर डार्क कंसीलर यूज़ करेंगे तो आपके जो हाईलाइट पॉइंट है वो अच्छे से निखर के आएंगे। और मैं यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ उसको भी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है पहले, उसके बाद में मैं यहाँ पे बनाऊँ थोड़ा सा कंट्रोलिंग करूँगी। कंट्रोलिंग करने से जो आपका फेस है वो थोड़ा सा कट होके दिखता है और खूबसूरत लगता है। तो पहले अच्छे से ब्लेंड करना, उसके बाद में एनवाइबी का ये वाला जो कंट्रोलिंग है मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं समर और विंटर दोनों में यूज़ कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि सबके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं होते, हर रोज़ वो नहीं खरीद सकते, एक बार ख़रीद लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। तो सेम चीज़ मैं भी करती हूँ और बस अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ, मैं उस प्रोडक्ट को रिपीट करती हूँ जो मुझे समझ नहीं आता, उसको मैं अगेन अगेन खरीदती रहती हूँ। जब तक मेरे पास कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं आ जाता तब तक मैं लेती हूँ, जब अच्छा आ जाता है तो मैं उसे चलाती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉम्पैक्स सेट कर रही हूँ। आप लूज़ पाउडर से भी सेट कर सकते हो, कॉम्पैक्स से भी सेट कर सकते हो, बस कॉम्पैक्ट आपके स्किन से टोन से एकदम मैच होना चाहिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे मेकअप करूँगी। एकदम सिंपल आई मेकअप मैंने रखा है, एक चॉकलेटी कलर लिया है, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है क्रीज पर और उसको पूरी आईलाइट पे ही अप्लाई कर लिया है मैंने। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा बस मैंने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे अप्लाई कर लिया। उसके बाद में लगा लिया मैंने आईलाइनर। बस मैंने जेल आईलाइनर यूज़ किया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है आजकल जेल आईलाइनर चल रहा है, ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा स्मच करके जो आईलाइनर चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है मेरा उस पर। वो बस मैं विदाउट विंग यहाँ पर आईलाइनर मैंने लगाया हुआ है और ये भी मैंने ऑनलाइन लिया है। प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे ऑनलाइन लेती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, डिस्काउंट पे भी मिलते हैं और मैं मुझे लगता है कि हाँ वहीं से लेना चाहिए, अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लशर ले रही हूँ और डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सा ब्लशर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ क्योंकि मैंने ब्लैक पहना हुआ है, ब्लैक पे सारे ऑलमोस्ट कलर चल जाते हैं। तो फाइनली डिसाइड किया और मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ये वाला लुक कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, बैड कमेंट्स मत करिएगा क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इधर उधर देखने के बाद बोलते रहते हैं। तो प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाएं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाऊंगी रेड लिपस्टिक जो कि है बहुत ही फेवरेट जो है शुगर की और बहुत ही प्यारा कलर है इसका। ड्राई हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, फिर भी मैं इसको खींच रही हूँ। और क्या उसके बाद मैं लास्ट पे लगाऊंगी मस्कारा क्योंकि मैंने फेक आईलैशेस नहीं यूज़ किए। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। जरूर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कॉमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो इसलिए बोल रहे हैं।